नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के 5 स्टॉक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है SAIL सेल, बायोकॉन, HDFC, TCS एंड बजाज फाइनेंस। ये 5 शेयर्स हैं जो आप आज खरीद सकते हैं और इनको आप रख सकते हैं 20% अर्निंग के लिए विद इन 300 डेज, मिनिमम 300 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर में आपके 20% आ ही जाएंगे। तो आप इनको ले सकते हैं और इसको आप लीजिए, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने लिया वो ले सकते हैं, प्लस अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं -10% से बिलो जाता है मार्केट, क्योंकि क्रैश हो रहा है और इसमें कई रीज़न है मार्केट क्रैश होने के, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हर कंट्री का बढ़ा है बिकॉज ऑफ, जैसे US ने काफ़ी प्रिंट किया था ड्यूरिंग द कोविड के टाइम पे अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा और उस सबसे बड़ी इकोनॉमी US है, तो उसको अफेक्ट होने के कारण हमारे ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है इसका। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो आज के रिकमेंडेशन मेरे यही हैं, सेल, बायोकॉन, HDFC, TCS, बजाज फाइनेंस। और अगर आप रेगुलर यूज़र नहीं है तो समटाइम मैं केवल 5 देता हूँ, एक म्यूज़िक डाल देता हूँ और आपको शॉर्ट वीडियो में आपको 30 सेकंड का दे देता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे ऐसे वाले रहते हैं जो ब्लू में दिखते हैं, वो मेरा बाई रिकमेंडेशन होता है आपके लिए, वो मेरा बाई रिकमेंडेशन होता है, वो बस ध्यान रखिएगा आप। और उसमें कुछ मैं सेल करता हूँ, जो जैसा सेल का मैंने बताया कि मैं मोस्टली वो स्टॉक जो मेरे 15% से ऊपर होते हैं उनको मैं GTT में लगा देता हूँ। बाई चांस मार्केट क्रैश होता है तो मेरे पास कैश आउट आ जाता है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ ज़ीरोधा, जहाँ पे GTT एक ऑप्शन होता है जहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे बाकियों का नहीं पता, हो सकता है उनके में भी वो ऑप्शन होगा, नहीं है तो आप प्लीज़ उन आपके डीमेट अकाउंट जो भी हैं उनसे पता कीजिए, उनके कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए, पूछिए कि GTT ऑप्शन है कि नहीं। GTT ऑप्शन जिनको नहीं पता मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक ऐसा ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपको 10% पे आपको एक स्टॉक बेचना है, सेल आपने लिया, आपको चाहिए कि ये 10% प्रॉफिट पे बिक जाए, तो आपका जब ये स्टॉक 10% से ऊपर चला जाए यानी 15% पे जब चला जाता है, तो मैं GTT ऑप्शन है तो यानी 15% पे मान लो रखता है 100 रुपीज़ का एक स्टॉक है और वो 115 पे आता है, तो मुझे अब GTT लगाना है। अब 115 पे लगाने की जगह मैं 110 पे लगा देता हूँ, यानी 110 के नीचे जब आएगा तो बिक जाएगा, और मान लीजिए नेक्स्ट डे वो 120 पहुंच जाता है तो मैं वापस उसको चेंज करके 115 पे लगा दूंगा, यानी 5% का डिफरेंस मैं रखूंगा। 115 मतलब अगर वो नेक्स्ट डे 20% पे चला जाता है तो मैं 15% रख दूंगा, और फिर से बढ़ता है और वो 25% पे जाता है तो मैं 20% पे रख दूंगा, तो मेरा यानी प्रॉफिट मैं फिक्स करके रख देता हूँ। स्टॉप लॉस जैसा ही एक ऑप्शन है ये, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कि मेरा फेवरेट ये सब हैं। बायोकॉन सेल मैं बहुत कम लेता था, बट HDFC, TCS, बजाज फाइनेंस मैं हमेशा लेता रहा हूँ। इस समय मेरा रिकमेंडेशन बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व, इफ यू हैव अ मनी इन्वेस्ट इन, क्योंकि बजाज फिनसर्व भी कम से कम 15-20% तक डाउन है, और ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि ये कहते हैं ना कि आप एक तरफा इनका राज्य है इस इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे ये सब फाइनेंस मोस्टली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से होकर गुजरता है, तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है। बट चलिए आज मैं बायोकॉन के बारे में पढ़ता हूँ, ज़्यादा मैं भी इसको एनालिसिस करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक अनपढ़ जैसा इसको देखूंगा कि क्या हो रहा है इसमें। अगर आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो हाई लो 2000 वन वीक का आप देखते हैं, वन वीक का क्या है, आज का रिटर्न तो -20 है, रिटर्न 4.30 है, वन मंथ का देखते हैं हम रिटर्न 1% है, नॉट बैड, वन ईयर का रिटर्न -19.6 है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, यानी आप एक ऐसा स्टॉक लेने जा रहे हो और जो आपको ऑलरेडी 20% रिबेट प्राइस में मिल रहा है, जो कि वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं अगर एक गुड स्टॉक अच्छे प्राइस में मिले तभी लो, तो ये 20% माइनस में है एक साल की कंपैरिजन में, 5 साल के कंपैरिजन में तो इसने डबल किया है पैसा आपका। अगर 94% बोलेंगे तो यानी आपने जो पैसा 169 लगाया था और आज आप देख लीजिए 321 है, तो यानी आपका पैसा डबल हो चुका है एक साल के अंदर, तो पाँच साल के अंदर तो अब मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैक्सिमम इसका रिटर्न 720% है, तो ये मैं पास्ट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस मैं ये देखूँगा कि पिछले एक साल में कैसा, पिछले एक साल में ये 19% दिया है, माइनस में दिया है, यानी आपका लॉस है। तो आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गुड टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसके PB रेशियो फोरकास्ट में देखेंगे 57% है, यानी इनके एनालिस्ट ने 57% बोला है, बट मेरा कहना है कि आप इसको ले लीजिए, ये स्टॉक ले सकते हैं आप स्टॉक, और एक छोटा अमाउंट लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने लगाया हुआ है छोटा अमाउंट, अगर आप देखेंगे तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है, मैंने कितना लगाया, मैंने बायोकॉन में 3 शेयर कर दिए, यानी 329 का मान लो जो 330 यानी 1000 रुपये मैंने आज के दिन में लगा दिए। ये पहले भी शेयर खरीदे हैं मैंने कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये शेयर नहीं खरीदे हैं, बट ये पिछले एक वीक से मैं बायोकॉन के शेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ और इसके शेयर को ऐड कर रहा हूँ,
तो आप बायोकॉन में जा सकते हैं। फोरकास्ट आप देखेंगे तो इसका फोरकास्ट 57 है। फाइनेंशियल में आप, ये आपकी चीज है, ये आप जरूर देखिए, आपको ये चीजें खुद से पढ़नी पड़ेंगी। आप चाहें तो इनके प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं जीरोधा की, जो टिकट ट्रिप से हैं। और पीर से अगर आप देखेंगे बायोकॉन की पीर, चलिए आप बायोकॉन को शायद ना जानते हो, बट इनमें से किसी को जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ अभी आज के टाइम पे, नहीं जानता। मैं लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ क्योंकि एक लेमन लैंग्वेज में ये सब कंपनीज को कोई नहीं जानता जल्दी, जब तक आप एक इन्वेस्टर नहीं है। बट वॉट आर द शेयर होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग चलो देखते हैं क्या हाल है। शेयर होल्डिंग में 60% है, यानी अगर मैं इनकी शेयर होल्डिंग में देखूं, खासकर प्रमोटर होल्डिंग्स में, तो इनका करीबन सेम है, इन्होंने घटाया नहीं अपना। वही मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखूं तो घटा है, तो वो तो इस समय हर किसी का घटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर में भी घटा है। बट इनके तो फिर बड़े कौन है भाई? म्यूचुअल फंड में बड़ा है, यानी म्यूचुअल फंड वाले जो हैं लोग, उन लोगों को इस पे ज्यादा विश्वास है और वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी देखें तो आरआई वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट्स, नो रेड फ्लैग्स इज ग्रीन है। डिविडेंड ये लोग नहीं दिखा रहे हैं कि ये डिविडेंड देते हैं, बट मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं डिविडेंड वाले स्टॉक लूँ जिससे मुझे मेरी रोज की भी अर्निंग होती रहे, तो मैं ट्राई करता हूँ। बट यस, मैं हमेशा डिविडेंड वाले स्टॉक में ही पैसा नहीं डाल सकता। अगर कोई स्टॉक मुझे उससे ज्यादा मुझे रिटर्न दे देता है तो क्यों ना उसमें भी रिच जाऊं ना। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है इस ईयर का। तो आप 20% रिटर्न तो यहाँ पे दिखा रहा है ये, तो ये जो डाउनफॉल है ये उठेगा और हो सकता है और जाए, इसीलिए मैंने 1000 रुपये लगाया है। अब भी चाहे तो 1000 रुपये लगा, अगर ये -10% जाता है बाई चांस विद इन 1 वीक और 2 वीक या विद इन मंथ, तो आप 1000 रुपीज और लगा सकते हैं एवरेज आउट करने के लिए। मैं यही बोलूंगा कि मैक्सिमम 5000 से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें एज पर योर कैपेबिलिटी। अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है 5000 के गेम में इसमें खेलिए और 20% कमा के बाहर आ जाइए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर दिस। और इसमें एक स्टोरी यही है कि बायोकॉन के बारे में आप जरूर पढ़िए, बायोकॉन क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आपको और चीजें पता चलेंगी कि बायोकॉन में क्यों डालना चाहिए पैसा, क्यों नहीं डालना चाहिए, इनके क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, इनके ओनर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है, इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, या इनके MD कौन है, CEO कौन है, उनके बिजनेस प्लान्स कैसे हैं, वो लोग किस कंपनी से लिंक हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए, क्योंकि घूम फिर के कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो उसका कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ अगर आपके ये इनके ओनर आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है उनका विजन है, उनका मिशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उसमें ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, क्योंकि वही कंपनी जिनके विजन मिशन क्लियर होते हैं और वो लोग प्रॉपरली काम करते हैं तो हमेशा करते हैं। इसमें हमेशा मैं एग्जांपल एक दो बार पहले भी दिया, कई फ्रेंड्स से भी बात होती है तो मैं हमेशा टाटा का बोलता हूँ। टाटा में किसी को भी देख लीजिए, वो लोग हमेशा सोसाइटी के लिए सोचते हैं और आज सोसाइटी उनको वापस भी दे रही है। कई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो कोई भी कार अच्छी से अच्छी हो, लेकिन वो भले टाटा मोटर्स की कार चलो उस क्वालिटी की ना हो, बट वो प्रीफर करते हैं क्योंकि उनको इनडायरेक्टली टाटा उनको अलग से कमा के देता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो, और कुछ भी रहे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम उस पर वीडियो बना लेंगे। थैंक यू।